हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि पृथ्वी से आसमान नीला दिखता है मगर अंतरिक्ष में हर तरफ काला यानी अंधेरा दिखाई देता है? ऐसा क्यों? कहने का ये मतलब है कि अंतरिक्ष में अंधेरा है तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक वायुमंडल मौजूद है। यह वायुमंडल कई प्रकार के गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प से मिलकर बना होता है। सूर्य से निकलने वाली किरण सात रंगों के मिश्रण से बनी होती है, जैसा कि इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं। हम जब आकाश की ओर देखते हैं तब वही रंग दिखता है जो उस दिशा से हमारी आँख की ओर आता है। उस दिशा से आया प्रकाश असल में सूर्य का प्रकाश ही है, जो वायुमंडल के गैस और कण से छिटक कर आता है। सूर्य के प्रकाश में सात रंग के प्रकाश होते हैं, उन्हीं में से हमें वो रंग दिखाई देते हैं। और हाँ, आसमान एकदम नीला नहीं है बल्कि हल्का नीला जैसा दिखता है, मानो उसमें सफ़ेद रंग घुला हो और हरा भी थोड़ा सा। इस रंग को हम आसमानी रंग कहते हैं। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो हमें अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब बहुत आसान है और वो ये है कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए अंतरिक्ष में हमें आकाश काला दिखाई देता है। आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ सूर्य सफ़ेद और आकाश काला दिखता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश बिखरता नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।